आयुर्वेद टिप्स में आप सबका स्वागत है। सब्सक्राइब करें आयुर्वेद टिप्स चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। हमारे नुस्खे वेदों के राय के मुताबिक होते हैं। आयुर्वेद का उद्देश्य ही स्वस्थ प्राणी के स्वास्थ्य की रक्षा तथा रोगी की रोग से रक्षा कर उन्हें स्वस्थ बनाना है। रसीला स्वाद में खट्टा मीठा संतरा हर किसी को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। संतरा खाना आप सभी के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। संतरे को विटामिन सी का भंडार माना जाता है। सिर्फ एक संतरा खाकर आप विटामिन सी की दैनिक जरूरत को पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा संतरे में अमीनो एसिड, विटामिन ए, बी कॉम्प्लेक्स, फ्लेवोनॉइड, अमीनो एसिड, कैल्शियम, आयोडीन, फास्फोरस, सोडियम, मैग्नीज जैसे मिनरल्स पाए जाते हैं। आज हम संतरे खाने के फायदे, संतरे के घरेलू नुस्खे, इन सभी के बारे में जानेंगे। नंबर वन, कैंसर से बचाता है। विटामिन सी से भरपूर संतरे एंटीऑक्सीडेंट का भंडार है जो शरीर को हानिकारक फ्री रेडिकल सेल से बचाता है। संतरे में लाइमोनिन पाया जाता है जो हमारे शरीर में 8 से 10 घंटे तक एक्टिव रहता है, जो हमारे शरीर में कैंसर सेल्स को बढ़ने से रोकने में मदद करता है। नंबर दो, बवासीर में लाभ पहुँचाता है। अगर आप बवासीर से पीड़ित हैं तो भोजन करने के पश्चात आपको आधा गिलास संतरे का जूस प्रतिदिन पीना चाहिए। इससे बवासीर में आराम मिलता है और पेट का अल्सर भी ठीक होता है। छांव में संतरे के छिलकों को सुखाकर बारीक पीसकर पाउडर बना लें और घी की बराबर मात्रा मिलाकर दिन में 3 बार 1 चम्मच पिए। इससे आपको बवासीर में बहुत फायदा होगा। नंबर तीन, सर्दी जुकाम में लाभकारी। संतरा खाने से आयरन को सोखने में सहायता मिलती है। संतरा खाने से जहाँ सर्दी जुकाम से राहत मिलती है, वहीं सूखी खांसी से भी आराम मिलता है। यह कफ को पतला करके शरीर से बाहर निकाल देता है, जिससे नाक और छाती आदि में होने वाली परेशानियों से निजात मिलती है। नंबर चार, हृदय के लिए फायदेमंद। संतरा में पाए जाने वाले पोटेशियम, फोलिक एसिड, कैल्शियम, कोलेस्ट्रॉल लेवल और हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखते हैं। संतरे में पाए जाने वाले फ्रुक्टोज, डेक्सट्रोज जैसे मिनरल शरीर में एनर्जी बढ़ाते हैं और दिल और दिमाग को नई ताजगी और स्फूर्ति प्रदान करते हैं। दिल के रोगी को संतरे के जूस में शहद मिलाकर पीने से बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है। नंबर पाँच, महिलाओं के लिए बहुत ही फायदेमंद है। गर्भवती महिलाओं, लीवर की बीमारी से पीड़ित महिलाओं को संतरे का सेवन जरूर करना चाहिए। इसके सेवन से गर्भवती महिलाओं को प्रसव के समय होने वाली परेशानियों से मुक्ति मिलती है। इससे प्रसव पीड़ा में भी कमी होती है और होने वाले बच्चे के विकास के लिए बहुत लाभकारी होता है। इसलिए गर्भवती महिलाओं को संतरा जरूर खाना चाहिए। नंबर छः, मक्खी मच्छर दूर भगाए। सूखे संतरे के छिलकों का धुआं अगर कमरे में फैला दिया जाए तो मक्खी मच्छर और खटमल को मार गिराया जा सकता है। नंबर सात, टेंशन दूर भगाए। संतरे का एक गिलास जूस मन और तन दोनों को शीतलता प्रदान करता है। यह टेंशन को खत्म करने का भी काम करता है। संतरे में पोटेशियम होता है जो दिमाग को ऑक्सीजन की सप्लाई करने में सहायता करता है, जिससे आपका मन शांत होता है और आप टेंशन से मुक्ति पा सकते हैं। नंबर आठ, दांतों और हड्डियों के लिए फायदेमंद। संतरे में विटामिन ए और सी पाए जाते हैं, इसलिए संतरा खाने से हड्डी और दांत स्वस्थ बनते हैं। संतरे के सेवन से दांत और मसूड़ों के रोग दूर होते हैं। संतरे में पाया जाने वाला विटामिन सी मसूड़ों को हेल्दी बनाता है। नंबर नाइन, गठिया दूर भगाए। संतरे में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो गठिया की बीमारी और उससे होने वाले दर्द से राहत दिलाता है। संतरे के सेवन करने से आप ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी को भी दूर कर सकते हैं। प्रतिदिन सिर्फ एक गिलास संतरे का जूस पीकर आप गठिया होने के खतरे को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। नंबर टेन, किडनी स्टोन से बचाए। संतरे में साइट्रिक एसिड पेशाब से संबंधित परेशानी और गुर्दों की बीमारी को दूर करने में सहायता करता है। संतरा खाने से पेशाब के जरिए साइट्रिक एसिड की वजह से पीएच लेवल में सुधार होता है, जिससे गुर्दे से कैल्शियम को बाहर निकलने में मदद मिलती है, जिससे गुर्दे में पथरी होने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। नंबर 11, बुखार होने पर। अगर आपको तेज बुखार हो गया तो संतरे का जूस पीजिए। संतरे का जूस पीने से शरीर के तापमान में कमी आती है। नंबर 12, बच्चों के लिए फायदेमंद। छोटे बच्चों के लिए संतरे का जूस किसी अमृत से कम नहीं है। बच्चों को स्वस्थ बनाने के लिए उन्हें संतरे का जूस पिलाएं। जब छोटे बच्चों को दांत निकलते हैं तो उन्हें उल्टी और पीले हरे दस्त लग जाते हैं। उस वक्त उन्हें संतरे का जूस पिलाने से उनकी बेचैनी दूर होती है और हाजमा भी दुरुस्त बनता है। नंबर 13, पेट के रोग को दूर करें। पेट में गैस, अपच और कब्ज को दूर करने में संतरा बहुत ही फायदेमंद है। संतरे में फाइबर और साइट्रिक एसिड पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। इसे बाइल को बढ़ाया जा सकता है, जिसे कब्ज, पेट में अकड़न, गैस, अपच जैसी बीमारियों से राहत मिलती है। फाइबर पाचन तंत्र को बढ़ावा देता है। अगर पाचन तंत्र संबंधी सभी बीमारियों को दूर करता है। पेचिस होने पर संतरे के रस में बकरी का दूध मिलाकर पीने से भी लाभ होता है। संतरे के रस को गर्म करके काला नमक और सूंड का रस मिलाकर पीने से भी बदहजमी और पेट संबंधी सभी रोगों से छुटकारा मिलता है। नंबर 14, लू लगने से बचाए। गर्मियों के दिनों में लू से बचने के लिए दिन में 3-4 बार संतरे का रस जरूर पीना चाहिए। नंबर 15, पैरों को बदबू दूर करें। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पैरों में गर्मियों में बहुत ज़्यादा बदबू आती है।
इससे बचने के लिए संतरे के छिलके बहुत ही मददगार साबित होते हैं। संतरे के छिलकों को पानी में उबाल दें, अब इसे गुनगुने पानी में अपने पैरों को 2-4 मिनट तक के लिए डुबोएं, फिर आप अपने पैरों को तौलियों से साफ कर लें। ऐसा हफ्ते में 3-4 बार करें, इससे पैरों से आने वाली बदबू को दूर किया जा सकता है। नंबर 16, प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत बनाएं। संतरे में मौजूद विटामिन ए और सी खून में वाइट सेल्स के प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, जिससे प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत बनती है। नंबर 17, बालों के लिए फायदेमंद। संतरे के ताजे फूलों को पीस कर उसका रस निकाल कर बालों में लगाने से बाल चमकीले और जल्दी घने होते हैं, इससे बाल काले भी बनते हैं। नंबर 18, ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रखें। संतरा फाइबर का अच्छा सोर्स है, जिस वजह से यह शुगर को फ्रुक्टोज में परिवर्तित करता है। इस प्रकार संतरा मीठा होने के बावजूद शुगर लेवल को कंट्रोल करके डायबिटीज के मरीजों के लिए अच्छा होता है। नंबर 19, स्किन के लिए अच्छा। संतरे में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट उम्र बढ़ने के साथ होने वाले झुर्रियों को कम करने में मदद करते हैं। संतरे का रस या छिलके स्किन पर लगाने से स्किन के दाग धब्बों मुहासों दूर होते हैं। नंबर 20, जूते की बदबू दूर करें। संतरे के छिलके को रात भर जूतों में रख दें जिनमें से ज़्यादा दुर्गंध आती हो। सुबह होने पर इन छिलकों को जूतों से निकाल दें। ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपके जूतों से बदबू आना खत्म हो जाता है। नंबर 21, स्किन की सफाई करें। रात को सोने से पहले 2 चम्मच शहद में 2 चम्मच संतरे का रस मिलाकर 20 मिनट के लिए चेहरे पर लगाएं। इसके बाद दूध में रुई भिगोकर चेहरे को साफ करें, चेहरा चमकने लगेगा। एक और नुस्खा यह है कि संतरे के छिलकों को सुखाकर पाउडर बना लें और इसे कच्चे दूध या गुलाब जल के साथ मिलाकर आधे घंटे तक चेहरे पर लेप करें। कुछ ही दिनों में चेहरा साफ सुंदर और कांतिमय हो जाएगा। इससे किल्त मुहासे और सांवलापन भी दूर होता है।